खबर सिंगरौली से है, जहां लगा ढोल थाना के 100 मीटर दूरी पर धड़ल्ले से गांजा बिकता नजर आ रहा है। वहीं थाना प्रभारी मौन बने हुए, जबकि लगाडोल थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी जोरों से चल रही है। आपको बता दें कि थाने के दरवाजे पर ही गांजे की बिक्री किराने की दुकान पर धड़ल्ले से हो रही, लेकिन थाना प्रभारी सुरेंद्र यादव मौन धारण कर मूक दर्शक बने बैठे हैं, जिससे सैकड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अब देखना है इस अवैध नशे के खिलाफ एसपी सिंगरौली मादक पदार्थों की अवैध खरीद बिक्री के तहत क्या कार्रवाई करते हैं, या ऐसे इसी तरह से गांजे का अवैध व्यापार थाना क्षेत्र में चलता रहेगा। सिंगरौली से बिपिन सिंह चंदेल की रिपोर्ट। देश कलाकार